हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया था डिप्लोमा इंजीनियर्स ट्रेनी का, उसका जो सिलेबस है उसके बारे में, क्योंकि बहुत दिन से मेरे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट आ रहा था कि एनटीपीसी के सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो बनाइए। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद स्टेज वन का सिलेबस मैं आपके सामने दे रहा हूँ, क्योंकि एनटीपीसी ने ऑफिशियल सिलेबस लॉन्च नहीं किया है, इसीलिए 2018 में जो लोग एग्ज़ाम दिए थे उनके द्वारा बताया गया ये कॉमन सिलेबस है, कॉमन चीज़ें इसमें निकाली गई है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये सारे ट्रेड के लिए है, चाहे माइन सर्वेइंग हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, ये जितने भी ट्रेड हैं सबके लिए स्टेज वन जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कॉमन है, ये उसके लिए है। इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें कहीं दिया नहीं है कि कितना क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी उस लेवल का। जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको मैथ और रीजनिंग बोलते हैं इसके बारे में। और एक चीज़ में लिखा हुआ था कि 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और एस सी एस टी ओ बी सी वालों के लिए 30% है। तो आप इस वहम में नहीं रहिएगा कि आप 40 नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई आता है। 2018 में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो 85 के आसपास गया था, और ओ बी सी कैटेगरी का 70 के आसपास गया था। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि 40 नंबर या 30 नंबर लाने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश में स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें बेसिकली टेंस और वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये जितने भी चीज़ें हैं उन सबको आप करिएगा, तभी आपका ये सॉल्व होगा, क्योंकि ग्रामर आपका स्ट्रांग रहेगा स्पॉट द एरर और फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए, तभी आप भर पाइएगा। सिनोनिम, जिसको होमोनिम्स भी बोलते हैं, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिसप्लेस्ड वर्ब, आइडियम्स, फ्रेजेस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ब, नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट, पेसेज में भी क्लॉन्च पेसेज, कॉम्प्रिहेंसिव पेसेज पिछली बार नहीं पूछा गया था, लेकिन ये मैं इसलिए यहाँ ऐड किया हूँ क्योंकि पहले जो एनटीपीसी के एग्जामिनेशन हुए थे उसमें पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में बेसिकली नॉन वर्बल और वर्बल दोनों टाइप का रीजनिंग पूछा जाता है, जिसमें सेमेंटिक एनालॉजी, यानी कि दो वर्ड दिया रहेगा, इसका इससे ये कनेक्शन है तो आपको बताना है फलना का फलना से क्या कनेक्शन है, वैसा क्वेश्चन रहेगा। सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, कुछ नंबर सीरीज के होंगे। ट्रेंड वाले, फिगरल एनालॉजी, कुछ फिगर दिए होंगे उस टाइप का फिगर भी आपसे पूछा जाएगा। स्पेस ओरिएंटेशन, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम नहीं पूछा गया था बट पूछा जा सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रुप सी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए। सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, ये सारे आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही कोडिंग डिकोडिंग आप ज़रूर कर लीजिएगा, और एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया था, तो ब्लड रिलेशन भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स की ओर, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ओर, जिसमें नंबर सिस्टम एक चैप्टर है, जिसमें होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब पूछा जा सकता है। फंडामेंटल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में परसेंटेज, रेशियो, ये सब चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एवरेज। ये चैप्टर तो आपको कर ही लेना चाहिए, नंबर सिस्टम भी आपको कर लेना चाहिए। बात करते हैं अलजेब्रा का, तो बहुत कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा नहीं पूछता है, बहुत सिंपल अलजेब्रा पूछता है। जैसे कि कोई ब्रदर है, उसके पास अगर एक्स मटेरियल है और बड़े भाई के पास एक्स प्लस फोर है, छोटे भाई के पास एक्स प्लस थ्री है, तो आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या है। इस टाइप का बेसिक सा सवाल पूछता है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है इसमें, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन थोड़ा पूछता है। ट्रिगोनोमेट्री भी बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पूछता है। स्टैटिकल चार्ट की बात करें तो वो भी स्टैटिक्स से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस सिलेबस को कर लीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपका हो जाएगा कम्प्लीट। बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी ग्रेड सी में आता है, और ग्रेड सी का ही सिलेबस है ये सारा कुछ। यानी कि आप जब ग्रेड सी, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, जब भी ग्रेड सी का सिलेबस मैच कीजिएगा, तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये सारे सिलेबस आपस में लगभग मैच कर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको जितना हो सके सर्कुलेट करें, क्योंकि स्टेज वन का सिलेबस नॉर्मली किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि एनटीपीसी ने इसे अपलोड नहीं किया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एनटीपीसी से रिलेटेड अभी बहुत सारे वीडियो और आने वाली है इस चैनल पे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।